कांग्रेस द्वारा 27 विधानसभा के होने वाले उपचुनाव में से 15 सीटों पर दो दिन पहले प्रत्याशी घोषित करने के बाद नेपानगर, गोहद और सांची विधानसभा के कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को नाराज कार्यकर्ताओं से कहना पड़ा कि प्रत्याशियों की चयन पार्टी आलाकमान ने की है, इसलिए विरोध की बजाय एकजुट होकर प्रत्याशियों को जिताने में लग जाएं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि यह समय बगावत का नहीं एकजुटता का है। कांग्रेस ने नेपानगर से रामकिशन पटेल को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से पूर्व में चुनाव लड़ चुके अंतर सिंह बर्डे पटेल को प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज हैं। उनके साथ इस सीट से दावेदारी जता रहे 17 उम्मीदवार नाथ के निवास पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने निष्क्रिय नेता को प्रत्याशी बनाया है, जिसके लिए वे काम नहीं कर सकते। बर्डे का कहना था कि पार्टी को प्रत्याशी चयन के लिए पहले विधानसभा के कार्यकर्ताओं के बीच रायशुमारी करना था। गोहद से मेवाराम जाटा को उम्मीदवार बनाए जाने का कर्मवीर दिनकर, केशव देसाई, अनीता चौधरी, रेखा बसेड़िया ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि टिकट तय किए जाने से पहले जिला और ब्लॉक के कार्यकर्ताओं की राय जान ली जाती तो उचित होता। गोहद से टिकट के दावेदार भिंड जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष राम नारायण हिंडोतिया टिकट न मिलने से नाराज हैं। उनके समाजवादी पार्टी से संपर्क में होने की खबर है, वे इस सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं सांची से मदन लाल चौधरी को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर टिकट की दौड़ में शामिल प्रभात झा, डॉक्टर जगदीश सूर्यवंशी और हेमंत नरवरिया ने विरोध जताया है। ग्वालियर से सुनील शर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने से कांग्रेसी कार्यकर्ता नाराज हैं। यहां से शांति कुशवाहा को तो विरोध करने पर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। डबरा से सुरेश राजे को प्रत्याशी बनाए जाने के खिलाफ सत्य प्रकाशी परसेड़िया ने मोर्चा खोल दिया है। भांडेर से पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज हैं। दतिया जिले के भांडेर विधानसभा सीट पर ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। यहां पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध ने तो टिकट न मिलने से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सामने नाराजगी जाहिर की। सभा के दौरान कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध का पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सामने मंच पर ही दर्द छलक पड़ा। बौद्ध ने कहा कि लोकसभा व विधानसभा चुनाव में अब तक 6 बार टिकट कट चुका है, 50 साल से पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन हम यह नहीं चलने देंगे। विरोध के चलते चुनाव से पहले अपनों को मनाना, अंतर कलह और पनपे असंतोष का कम करना कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। अगर ऐसा करने में कांग्रेस असमर्थ रही तो उपचुनाव में बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है।